जी बिल्कुल, आज हम लोग पूरी शेरशाह की टीम, ऑल थैंक्स टू सर, यहाँ पे प्रेजेंट है टू सेलिब्रेट सिनेमा। और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप, अभी तो काफ़ी 1 साल भी हो गया रिलीज़ को, जब आप हमारे जो, क्योंकि हमारे लिए इतनी स्पेशल फिल्म है, इतनी प्यारी फिल्म है कि जब भी आपसे कोई सवाल पूछता है इसके बारे में या इसकी शूटिंग कैसी हुई थी या क्या क्या सीन्स थे, तो मज़ा आता है क्योंकि यहाँ पे सारे फिल्म स्टूडेंट्स हैं जो एस्पायर कर रहे हैं अलग अलग फील्ड्स में ऑफ सिनेमा टू गेट इन टू। तो मेरे को तो बहुत मज़ा आया, पहली बार था कि मैं पर्दे की उस तरफ था और उनसे बात करते हुए उनको शायद शायद कोई नई एक किस्म की थिंकिंग या नई काइंड ऑफ आई थिंक इंस्पिरेशन मिली हो हमारे चैट के थ्रू। सो वी आर वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड ऑल थैंक्स टू सर एंड दिस अमेजिंग स्कूल। हाँ जी, हम तो सामने पहले इनसे पूछ रहे हैं मुझसे। पहले आप बताइए, आप पहले, मैं बताता हूँ। हमने सर की ऑब्वियसली काफ़ी फिल्में देखी हैं, सारी तकरीबन फिल्में देखी हैं, और आई थिंक जो हिंदी फिल्म ड्रामा और म्यूज़िक सुभाष सर करते हैं, आई थिंक काफ़ी डायरेक्टर्स हमारी जनरेशन में एक इंस्पिरेशन उठाई है उनसे। आई थिंक नोबडी डज यू नो हिंदी फिल्म ड्रामा लाइक हिम। जब हीरो की एंट्री होती है, आई थिंक जो म्यूज़िक और साउंड, कितनी चीज़ें हैं, आई थिंक जो एक क्विंटेसेंशियल हिंदी फिल्म एक्सपीरियंस है, वो सर की पिक्चरों के थ्रू हम सब ने एक्सपीरियंस किया है उसको। तो कल मुझे पता चला कि कल कर्मा की पूरी टीम आई थी बात करने के लिए। सो आई विश एज अ स्टूडेंट ऑफ सिनेमा आई कुड हैव बीन इन द ऑडियंस, पर वो मौका नहीं मिला, पर आज सर को मिलने का मौका मिला। एंड हम उम्मीद करते हैं कि ये सिनेमा हमेशा ज़िंदा रहे। आई थिंक ये सर के स्कूल के थ्रू यही ये सिनेमा रहेगा जारी, और सर से पूछेंगे कि सर को अभी क्या लगता है, सर आज के सिनेमा में आपको कल में कोई ऐसा फर्क लगता है? मुझे आज का सिनेमा भी अच्छा लगता है, कल का भी अच्छा लगता है, और सुपर। जो मैं सोचता हूँ वो आगे आने वाला सिनेमा है, अरे जिसमें हम बनाएंगे, आप काम करेंगे। करेक्ट, और बिल्कुल, समय बदलने के हिसाब से सिनेमा भी बदलता है, लोग बदलते हैं, सोसाइटी बदलती है, कैरेक्टर्स बदलते हैं, एंड हम हमेशा समय से आगे ही फिल्में बनाने की सोचते हैं। मैं सिद्धार्थ के बारे में एक बात कहूँगा कि सिद्धार्थ एक वो एक्टर है जिसमें ना एक रूह और इंसान उसके अंदर बहुत अच्छा है। जब भी किसी एक्टर या स्टार के अंदर एक रूह और वैल्यूज़ ऑफ लाइफ एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स वो स्ट्रांग रहती है, तो वो स्क्रीन पे नज़र आता है। एंड आई विश हिम मैनी मोर हिट्स, एंड मैं ये आपको दावे के साथ कहता हूँ कि वेरी सून ही इज़ गोइंग टू बी अ सुपर स्टार। टुडे ही इज़ अ स्टार बिकॉज ही इज़ ए ग्रेट सोल, क्योंकि वो स्टोरी आपकी प्रोजेक्ट वही कर सकता है जो दिल से बहुत खूबसूरत इंसान हो। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट, माय ब्लेसिंग्स फॉर हिम, एंड आई लुक फॉरवर्ड फॉर ए गुड स्क्रिप्ट, विल वी बोथ वर्क टुगेदर। एम आई विश यू यस सर, यस सर, ओवर टू द डायरेक्टर। थैंक यू सर। एंड सिद्धार्थ, जब जब स्टूडेंट के साथ में आप इंटरेक्ट करते हैं, हाँ जी, उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, वो भी एक्टर बनना चाहते हैं, कोई डायरेक्शन में आना चाहता है, तो कुछ बताना चाहेंगे आप सेशन, जैसा कि आप अटेंड कर कर आ रहे हैं, कैसा रहा स्टूडेंट के साथ का एक्सपीरियंस? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा, आई थिंक वो हमें विस्लिंग बुड्स जैसे और स्कूल्स चाहिए पूरे देश में, अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी सिनेमा है, इस देश की सिनेमा एक प्रोफेशनल, एक बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में चले। आई थिंक हमारी खुद की टीम में, शेरशाह की टीम में 2 एक्स विस्लिंग बुड्स स्टूडेंट्स रहे हैं हमारे साथ, साउंड डिपार्टमेंट में, एडिटिंग डिपार्टमेंट में, एंड दे आर द बेस्ट इन द बिजनेस राइट नाउ। तो आई विश देम ऑल द लक, आई थिंक देर इन द राइट प्लेस टू गेट द राइट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन टू जॉइन हिंदी सिनेमा। सो गुड लक टू ऑल द स्टूडेंट्स। And I must also introduce you to Mr. Vishnu Vrandha, the director. जी जी बिल्कुल, इस दिवाली हम होपफुली कहेंगे थैंक गॉड वे कमिंग इन। अभी हम इसी के प्रमोशन के जारी शुरू कर रहे हैं अभी, एंड बहुत ही स्पेशल और यूनिक फिल्म है, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस दिवाली। It's been great actually to be on Subhash's school.
and we have grown up watching your films. He's been a great inspiration. I think he's one of the master in using one of the best music narratives, music as narratives. He's amazing. And I wish we had schools like this, like Whistling Woods. At that point of it, a lot of exposures. And yes, to all the very best to all the students. I loved being here to Whistling Woods. I've come here to see locations and I've come here to just visit the campus. And I'm glad to be here on the show, Thank sir. You. Thank you. He's the writer of the Shershah. Super. Sandeep ji. So, yeah. जैसा कि विष्णु ने कहा, मैं भी कई बार सोचता हूँ, मेरे सामने खुला विस्लिंग वुड, मैंने काम करना शुरू कर दिया था इंडस्ट्री में, तो लगता है कि अगर ज़िंदगी में कोई एक मलाल है तो वो मलाल ये है कि काश मैं भी विस्लिंग वुड्स में कुछ यू नो पढ़ाई लिखाई कर पाता सुभाष जी के साथ. इनके स्कूल इनकी फिल्में देखने के लिए स्कूल में हम लोगों ने इतना गच्चा मारा है एंड इतनी पिटाई हुई है मास्टरों के साथ और घर पर भी मतलब तो बट लेकिन वो रुका नहीं. जैसे ही फिल्म आती थी, सुभाष जी की फिल्म आ रही है, मतलब देयर यूज़ टू बी अ बज़ इन दैट स्मॉल टाउन वेयर आई ग्रू अप. और हम जो कुछ भी सीखा है वो वहीं से आया है, चाहे वो म्यूज़िक की समझ हो, चाहे वो कैरेक्टर्स को कैसे बिल्डअप दिया जाता है, ट्विस्ट एंड टर्न्स कैसे लाए जाते हैं. ही इज़ द शोमैन एंड वी हैव लर्न्ड, वी हैव ग्रोन अप ऑन हिज फिल्म्स एंड आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट. एक बहुत खुशकिस्मती की बात है कि आज उनके साथ बैठे हुए हैं, मंच हम शेयर कर रहे हैं, नहीं तो हम जैसे अदने इंसानों के लिए कहाँ ये पॉसिबल होता है. एक बार नाम मतलब नाम लिया करते थे, सुभाष गई की फिल्म आई है और आज किस्मत मौका दिया है कि उनके साथ बैठे हुए हैं और आज बातचीत कर रहे हैं. आई एम प्राउड कि आज मेरे दोस्तों की फिल्म आई है. थैंक यू सो मच.